दोस्तों चेंज से क्या समझ में आता है? चेंज, चेंज यानी बदलाव। वो कहते हैं ना, सिर्फ बदलाव ही स्थिर है दुनिया में, यानी कि बदलाव होता रहता है चाहे कुछ भी हो जाए। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं चेंज इज कॉन्स्टेंट। दोस्तों आज के इंग्लिश लेसन में हम सीखने वाले हैं क्या, ऐसे 5 एक्सप्रेशंस चेंज के साथ। दोस्तों ये जो एक्सप्रेशंस हैं काफ़ी कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश में और काफ़ी फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो आज के लेसन में हम फोकस करेंगे किस चीज़ पर, चेंज वर्ड के एक्सप्रेशंस पर। दोस्तों ज़िंदगी हर वक्त बदलती रहती है ना। जब हम नए शहर में जाते हैं या नए लोगों से मिलते हैं या नई जॉब शुरू करते हैं, ये सब बदलाव ही तो है। ज़िंदगी में बदलाव जब होता है तो आसान नहीं होता, पर चेंज के बारे में इंग्लिश में बात करना भी इतना आसान नहीं होता। इसीलिए मैं आज का लेसन आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि आप हिंदी में तो अभी तक इसका अच्छे से इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आज के बाद से इंग्लिश में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मैं हूँ जैनी, आपकी ट्रेनर, और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहाँ आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला एक्सप्रेशन क्या है। पहला है To change your mind। अब ये एक्सप्रेशन काफ़ी कॉमन हो सकता है कि आप लोगों ने सुना होगा। दोस्तों इसका मतलब होता है कि जब आप अपनी सोच बदलते हैं या तो किसी चीज़ के को लेकर अपना डिसीजन बदल देते हैं। टू चेंज योर माइंड, मैं पहले यूरोप जा रहा था ट्रैवल करने सितंबर में, पर अब मैंने अपना डिसीजन बदल लिया है, मैं USA जा रहा हूँ। I was going to travel to Europe in September, but I have changed my mind. I am going to USA instead. तो देखा, जब आपने माइंड चेंज किया, किसी जगह को चेंज कर दिया, तो आप इसमें इस फ्रेज का इस्तेमाल किया है। मैं इस बार अपना मन बिल्कुल नहीं बदलने वाली। I am not going to change my mind this time. I hope आपको यहाँ तक के समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चेंज का अगला एक्सप्रेशन क्या है। चेंज का अगला एक्सप्रेशन है टू चेंज योर ट्यून का मतलब क्या होता है? जब किसी का ओपिनियन या बिहेवियर अचानक से चेंज हो, या तो फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए या उल्टा हो जाए, तब आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई कलीग है जो हमेशा बॉस की कंप्लेन करता रहता है और उसकी बॉस के साथ काफ़ी, मतलब बिल्कुल भी नहीं जमती और डिसएग्रीमेंट होती रहती हैं, और आपका कलीग बॉस के साथ काफ़ी आर्ग्यू करता है हर बात पे, लेकिन सडनली अगर वही कलीग आपके सामने थोड़ा, मतलब अगर बॉस की तारीफ कर रहा है या बॉस के आगे पीछे घूम रहा है या कहता है कि बॉस बहुत अच्छे हैं या रोज़ उनके लिए कॉफ़ी लेके जा रहा है, तब आप सोचेंगे ना, भाई इसे क्या हो गया, इसकी तो चाल बदल गई, इसकी तो ट्यून बदल गई है। राइट, ऐसा होता है राइट हमारे साथ। तब आप इस फ्रेज को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ऐसे बोलेंगे, यू हैव रियली चेंज्ड योर ट्यून, यू हैव रियली चेंज्ड योर ट्यून। इसका मतलब आपके कलीग ने अपना ओपिनियन दिया कि आपका बिहेवियर बदल गया है। इस पूरे साल में अपने हस्बैंड को कहीं बाहर घूमने के लिए कन्विंस कर रही हूँ और वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल रात को अचानक से मेरे हस्बैंड घर आके बोलते हैं कि चलो सिंगापुर की टिकट्स बुक करते हैं या ख़रीदते हैं। लास्ट नाइट ही केम होम एंड ही सेड ही वॉन्टेड टू बाई टिकट्स टू सिंगापुर, एंड आई थॉट ही इज़ चेंज्ड हिज ट्यून। वह आजकल अपनी राय बदल रही है। शी इज चेंजिंग हर ट्यून दीज डेज। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला एक्सप्रेशन क्या है। अगला है चेंज ऑफ हार्ट। दोस्तों चेंज ऑफ हार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है, यानी कि हमेशा अ चेंज ऑफ हार्ट। इस idiom का मतलब होता है एटीट्यूड में चेंज आना। आप किसी चीज़ के लिए कैसा फील करते हैं उसमें चेंज आना। जैसे अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं लेकिन आप श्योर नहीं हैं और आपको शॉप असिस्टेंट कहें कि आप ले लीजिए अगर आपका मन है, तो ऐसा होता है ना हमारे साथ कि वो शॉप असिस्टेंट हमें फोर्स करते रहते हैं, अरे आपका मन है तो ले लीजिए, मन है तो ले लीजिए, लेकिन आपका मन बदल जाए तो कल वापस कर दीजिएगा।
ये हमेशा वो बोलते हैं, राइट? दोस्तों ध्यान रहे, इस एक्सप्रेशन का यूज़ वैसे नहीं होगा जैसे इससे पहले एक्सप्रेशन का हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, वैसे नहीं होता। आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि ही चेंज हिज हार्ट और आई चेंज माई हार्ट। इसे सिर्फ हैव के साथ यूज़ किया जाता है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका मन बदल जाएगा पक्का, ही विल प्रॉबेबली हैव अ चेंज ऑफ हार्ट। ध्यान रखिए मैं कैसे हैव के साथ इसे यूज़ कर रही हूँ। वह अपना घर बेचने जा रही थी लेकिन लास्ट मिनट में उसने अपना मन बदल दिया। शी वॉज गोइंग टू सेल हर हाउस बट हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एट द लास्ट मिनट। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि ये ऐसे सिचुएशंस के लिए ही अच्छा लगेगा, ना कि आप कहीं पे भी इसे यूज़ करें, ठीक है? हैव या हैड के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा है। अगला है अ चेंज ऑफ सीन या सीनरी। अ चेंज ऑफ सीन, दोस्तों इस एक्सप्रेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अलग अलग सराउंडिंग्स में या फिर अलग एनवायरनमेंट में जाते हैं। जैसे राहुल अपने पापा की कंपनी में काम करके थक चुका था, उसे दूसरी जगह जाना था, इसलिए उसने बैंगलोर में अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। राहुल वॉज टायर्ड ऑफ वर्किंग एट हिज फादर्स कंपनी, ही वॉन्टेड अ चेंज ऑफ सीन सो ही अप्लाइड फॉर अ जॉब इन बैंगलोर। मतलब जगह का चेंज करना था इसलिए उसने वहाँ पर अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया। जगह चेंज करने के लिए अ चेंज ऑफ सीन का इस्तेमाल किया गया है। वह बहुत सालों से एक ही कंपनी के साथ काम कर रही थी तो उसे लगा कि उसे जगह बदलने की ज़रूरत है। अब शीड बीन वर्किंग विद द सेम कंपनी फॉर टू मैनी ईयर्स सो शी फेल शी नीडेड अ चेंज ऑफ सीन। नई जगह मुझे रिलैक्स करने में और अपनी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगी। A change of scenery would help me relax and organize my life. तो आप देख रहे हैं ये कितना अच्छा लगता है बोलने में भी, और जब आप किसी के साथ शेयर भी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा है हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है अ चेंज ऑफ पेस। अ चेंज ऑफ पेस, चेंज ऑफ पेस भी सिमिलर तरीके से यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है अपने नॉर्मल डेली लाइफ रूटीन से कुछ अलग करने के लिए, खासकर जब आप अपने नॉर्मल रूटीन से कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाह रहे हों तब आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैसा रहेगा अगर आज हम डिनर के लिए बाहर चलें, थोड़ा बदलाव भी हो जाएगा। हाउ अबाउट वी गो आउट फॉर डिनर टुडे फॉर अ चेंज ऑफ पेस। वीकेंड पर रोड ट्रिप करना एक अच्छा बदलाव हो जाएगा। Going for a road trip on weekend will be a good change of pace. तो दोस्तों आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इसे फिट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो आज हमने सीखे ऐसे 5 बहुत ही फिक्स्ड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस चेन से, जिनकी मीनिंग सिमिलर हैं पर उसे डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाएगा, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स में दिया है। दोस्तों आप इन्हें कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।